मॉर्निंग क्लास, हिंदी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 में पार्ट 10 झांसी की रानी कविता का अध्ययन कर रहे हैं। और इस कविता को लिखा है सुमध्रा कुमारी चौहान ने। और हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का हमारी देश की आज़ादी में सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, किस प्रकार उनका योगदान हमें मिला और उनकी क्या छाइयाँ थीं, उसको कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग बच्चों पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। ठीक है, इस पैराग्राफ से हम लोग अब कविता की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ है, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीतता है, उन्हें कौन कौन से खेल पसंद थे, उन्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलना नहीं पसंद था, उन्हें तलवारबाजी, नकली युद्ध और व्यूह रचना, ये सारी चीज़ें आदि पसंद थी। और उनके बचपन का नाम क्या था, छबीली। उनका जन्म होता है बच्चों 19 नवंबर 1828 बनारस में, और उनका विवाह होता है झांसी में गंगा राव के साथ। उनके पति का नाम होता है गंगा राव। और उनकी पति की मृत्यु के बाद जो झांसी राज्य होता है वो क्या होता है, सूना पड़ जाता है और उनकी कोई संतान भी नहीं होती है। तो किस प्रकार जो डलहौजी होता है वो खुश होता है कि राज्य को हड़प लिया जाए, और अपने पैर वो धीरे धीरे क्या करता है, पसारना शुरू कर देता है वहाँ पे। और ब्रिटिश राज वो धीरे धीरे क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए तो आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो अपना व्यापार यहाँ फैला देते हैं और जो देश की जनता होती है उन्हें क्या कहते हैं, गुलाम बना लेते हैं। तो हमारा अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस प्रकार रानी दासी बनती है, दासी तो नहीं बनती है, लेकिन जब उनकी पति की मृत्यु हो जाती है और किस प्रकार वो दुखी और हताश होती हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करती हैं, अब वो महारानी बनती हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ की जो गद्दी होती है राजगद्दी, उनके पति की मृत्यु के बाद वो क्या हो जाती है, सूनी पड़ जाती। अब तो उन्हें ही संभालना था, तो पति की मृत्यु के बाद जो झांसी की राजगद्दी होती है वो रानी लक्ष्मीबाई संभालती हैं। और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद क्या होता है बच्चों, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतरा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा अब भी हुआ था ब्रज निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बताने का कोशिश किया है, ये प्रयास किया है कि किस प्रकार अंग्रेज जो थे वो राजधानी जो होती है भारत की दिल्ली क्या, वो धीरे धीरे सभी राज्यों पे अपना अधिकार जमाने लगते हैं और पूरी तरीके से जमा चुके होते हैं सारे अधिकार। तो किस किस राज्य पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, उसका नाम लिखा गया है कि दिल्ली है, लखनऊ है, ठीक है, नागपुर, उज्जैन, तंजौर, सतारा, कर्नाटका, और ये सारी चीज़ें क्या होती, पंजाब, सिंध, ये सारे राज्य पे उन्होंने क्या कर लिया था, अपना अधिकार जमा लेते हैं, और मद्रास बंगाल में भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो किस प्रकार वो व्यापार करने आते हैं और पूरे राज्य में अपना धीरे धीरे विस्तार कर लेते हैं। आगे क्या है, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार, यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी,
बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बताया है कि किस प्रकार जो अंग्रेज होते हैं वो निर्लज हो जाते हैं अपनी व्यवहार से, और किस प्रकार निर्लजता के कारण वो क्या करते हैं, जिस राज्य में वो जाते हैं वहाँ की रानियों और वहाँ की स्त्रियों के क्या करते हैं, वो जेवर हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं या किसी प्रकार छीन लेते हैं वो, और उन्हीं को क्या करते हैं जो कलकत्ता के बाजार में ले जाके वो उन्हें वहाँ बेचते हैं, और बेचने के लिए उसे क्या करते हैं, बेचने के लिए उसे अखबार में इश्तेहार छपवाते हैं। जब भी हम लोग कोई ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं किसी चीज़ के बेचने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसे किसी अखबार में उसको छपवाते हैं कि किस प्रकार वो बिक जाए। तो उसी प्रकार जो अंग्रेज थे जिस भी राज्य में जाते थे वहाँ की स्त्रियों के और रानियों के और जो बेगम हुआ करती थी उनके क्या करते थे, गहने को हड़प लेते थे और उन्हें क्या करते थे अपने कब्जे में ले लेते थे, और कलकत्ता के बाजार में जाके उन्हें एक अखबार में इश्तिहार के माध्यम से बिकवाते थे। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, और अखबार में क्या इश्तिहार लेके छापते थे, ये लिखते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौ लखा हार। इस प्रकार इस पंक्ति में अंग्रेजी निर्लज्जता का वर्णन किया गया है। यूं पर्दों की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो इज्जत थी वहाँ की रानियों की पर्दे में थी, वो एक तरीके से नीलाम हो जाती है, किस प्रकार उनका जो कीमती गहना होता है वो अंग्रेजों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। इस प्रकार देश में हमारे वो व्यापार करने के माध्यम से आए तो थे, लेकिन धीरे धीरे सारे राज्यों में वो अपना विस्तार कर लेते हैं, और किस प्रकार वो प्रताड़ना करते हैं देश की जनता के ऊपर, और यहाँ तक कि स्त्रियों को भी नहीं छोड़ते, उनके जेवर महंगी महंगी वस्तुओं को ले लेते थे और कहाँ बेचते थे, वो कलकत्ता के बाजार में। आगे क्या है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धूम धूम पंथ पेशवा जुटा रहा था सबका सामान, छवीली बहिन छवीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। अब अगली पंक्ति में जो सुभद्रा कुमारी चौहान वो कहती हैं, लिखती हैं कि कुटियों में भी थी विषम वेदना, महलों में था आहत अपमान। जो गरीब कुटियों के माध्यम से यहाँ गरीबी को दिखाया गया है कि जो गरीब व्यक्ति था या फिर जो महल का जो अमीर व्यक्ति था, सारे व्यक्ति क्या थे, वो आहत थे, परेशान थे अंग्रेजों की इस कार्यकलाप से, प्रताड़ना से क्या थे, बोलो परेशान थे। वीर सैनिक के मन में था पुरखों का अभिमान, अपने पुरखों के प्रति जो वीर सैनिक थे उनको भी क्या था, अभिमान था कि अब सबके अंदर एक चिंगारी दहक गई थी अपनी आज़ादी को लेके, और जो तो पेशवा थे वो भी क्या कर रहे थे, जुटा रहे थे सामान कि किस प्रकार अब एक जंग छिड़ी जाए, अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार एक जंग छिड़ी जाए। और वहीं छवीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। जो अभी तक रानी लक्ष्मीबाई थी वो सिर्फ एक साधारण सी थी, उनके अंदर आग तो था लेकिन वो दहका नहीं था, लेकिन अब क्या किया था, वो रानी चंडी का रूप धारण कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा वो क्रोधित होती हैं कि अब तो कोई जंग छिड़ेगी। अब वो जंग के खिलाफ एकदम तैयार थी कि अब अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो किस प्रकार वो चंडी का रूप धारण करती हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रोध भरा होता है, अब वो एकदम पूरी तरीके से तैयार थी कि अंग्रेजों से अब झगड़ा किया जाए, उनको बाहर के भारत से क्या करते थे, उठा के बाहर फेंक दिया जाए। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, उनके अंदर जो ज्वाला ज्योति थी, ज्वाला मतलब जो अंदर चिंगारी होती है वो धीरे धीरे दहक रही थी, वो उन्हें क्या करना था, उनके अंदर ज्वाला के माध्यम से फूटने लगा, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुई थी कि किस प्रकार अब तो कोई जंग छेड़नी ही है और अंग्रेजों को क्या करना है, यहाँ से खदेड़ के भगाना है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी,
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वन तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, महल में जो हमारे अमीर व्यक्ति थे देश के और जो हमारे गरीब व्यक्ति थे झोपड़ी के वाले, इन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था पूरी तरीके से। महलों के जो लोग थे वो आग दिए थे, ठीक है, पूरा सहयोग देते हैं औजार को जुटाने के लिए, क्रांति को चिंगारी देने के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं इस क्रांति में अपना भाग लेने के लिए। और जो गरीब व्यक्ति थे देश की जनता, जो हमारी गरीब थी, वो भी क्या करती है, अपना पूरा योगदान देती है रानी लक्ष्मीबाई का इस क्रांति में। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंग से आई थी, सबके अंदर एक उबाल था, किसी के ऊपर ये प्रेशर नहीं था, किसी के ऊपर ये दबाव नहीं था, सबके अंदर एक उबाल था, एक देश प्रेम था। ये अंतरंग अंदर से ये आई थी चेतना स्वतंत्रता की, कि अब हमें अपनी पूर्ण स्वतंत्रता मुझे चाहिए। झांसी चेती, जो झांसी की जनता, वो उसके अंदर चेतना आ गई थी, उसे पता चल गया था कि अब मुझे स्वतंत्रता चाहिए। दिल्ली भी चेत गई थी, लखनऊ लपेटे छाई थी। जो दिल्ली थे, जितने भी हमारे राज्य थे, दिल्ली लखनऊ झांसी, सबके अंदर एक उबाल मचा था, वहाँ की जनता के अंदर एक उबाल मचा था। और मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जब एक जगह एक राज्य में क्रांति छिड़ती है तो सारे देश सारे राज्य के लोग भी क्या करते हैं, क्रांति की जंग छेड़ देते हैं। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, कुछ कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे उनकी भनक नहीं पहुँच पाई थी, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े स्तर पे क्रांति शुरू हो गई। तो इस पंक्ति में, इस पूरे पंक्ति में सुभद्रा चुकुमाई चौहान ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब क्रांति छिड़ती 1857 की, तो किस प्रकार सारे राज्य अपना पूर्ण योगदान देते हैं। उसमें कौन कौन से राज्य हैं, उसमें झांसी है, दिल्ली है, लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, ये आदि क्या थे, राज्य थे, ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद लिखा है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपन तातिया चतुर अजीज मुल्ला सरना, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवित्री ने यह बताया है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस जंग में जितने भी हमारे वीर पुरुष थे वो किस प्रकार शहीद होते हैं, और शहीद वीर पुरुषों के नाम उन्होंने इस पंक्ति में क्या है, गिना है, जिनमें है नाना धुंधुपन तातिया चतुर अजीज मुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ठीक है। जो उस समय उनकी कुर्बानी थी वो आज भी क्या करती है, हमारे गिनी जाती है उनके इतिहास में। लेकिन इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में बच्चों जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने वो ये बताना चाहा है कि किस प्रकार जो हमारे वीर सैनिक होते हैं वो अपनी कुर्बानी देते हैं और क्या करते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। और जब हम कोई जंग छेड़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई शहीद ज़रूर होता है। तो इस प्रकार जितने हमारे वीरवर थे, जो महापुरुष थे जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, उसके आगे बोल रहा है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अगली पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वहाँ झांसी को हड़पने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, लेफ्टिनेंट वॉकर आया था, वो क्या करता है, झांसी को अपने अधिपत्य बनाना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, और वहाँ पे लक्ष्मीबाई मर्दों की भांति उसे क्या करती हैं, लड़ती हैं और अकेले ही उसके छक्के छुड़ा देती हैं। और वो बहुत हैरान होता है कि किस प्रकार एक महिला इतनी वीरता के साथ वो लड़ सकती है। और
लेफ्टिनेंट वॉकर आप पूछे आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंद आसमानों ने। रानी ने अपने दोनों हाथों से किस प्रकार तलवारबाजी की और जो अंग्रेज की तरफ से लेफ्टिनेंट वॉकर आया था उसके छक्के छुड़ा दिए और उसे पराजित करके जख्मी कर देती हैं और वो बहुत हैरान है, ठीक है, और उसे वहीं पे घायल कर देती हैं वो। इस प्रकार आगे क्या है, रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। रानी अब इसके आगे बढ़ती हैं, कालपी आती हैं और कर 100 मील निरंतर पार, लगातार उनका जो चलना था वो प्रारंभ होता है, वो घोड़े पे सवार होती हैं। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छेड़ी छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो किस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है कि रानी लक्ष्मीबाई धीरे धीरे क्या आती है, कालपी आती है, कालपी एक जगह है और वो 100 मील निरंतर वो चलती रहती है घोड़े के माध्यम से, और उनका जो घोड़ा होता है बहुत थक जाता है। निरंतर मतलब होता है बच्चों लगातार, निरंतर मतलब होता है निरंतर मतलब लगातार। तो किस प्रकार वो घोड़े के माध्यम से वो निरंतर चलती रहती है और घोड़ा उनका क्या होता है, थक के गिर जाता है और गिर कर क्या हो जाता है, वो मर जाता है, वो स्वर्ग सिधार जाता है। यमुना के तट पर उनकी अंग्रेजों से फिर एक बार भिड़ंत होती है, फिर लड़ाई होती है और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, पराजित होते हैं। किससे, रानी लक्ष्मीबाई से पराजित होते हैं एक बार फिर से। विजयी रानी आगे चल दी, अब जो रानी थी वो विजय होकर कहाँ जाती है और आगे जाती हैं ग्वालियर पर अपना अधिकार जगह, ग्वालियर एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो क्या करती हैं अपना अपना अधिकार जमा लेती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के जो सिंधिया होता है वो क्या करता है, डर के मारे अपनी राजधानी छोड़ देता है, वो क्या करता है अंग्रेजों के हवाले कर देता है। तो इस पंक्ति में, पूरे पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का वर्णन किया गया है। समर्था उमाई चौहान कहती हैं कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई एक मर्दों की भांति एक बार नहीं अनेक बार अंग्रेजों को पराजित करती हैं। जो लेफ्टिनेंट वॉकर होता है अंग्रेजों की तरफ से उसको भी उन्होंने पराजित किया था, घायल किया था, उसके बाद वो भाग जाता है, वो रानी लक्ष्मीबाई से डर कर भाग जाता है, वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं, कालपी जाती हैं और निरंतर 100 मील चलने के बाद उनका घोड़ा जो होता है वो थक जाता है और वो क्या हो जाता है, मर जाता है, स्वर्ग को सिधार जाता है। इसके बाद फिर एक बार उनका युद्ध होता है यमुना के तट पे, यमुना नदी के तट पे उनका एक बार फिर से झगड़ा होता है, लड़ाई होती है अंग्रेजों से और वो क्या करते हैं, फिर से वो एक बार हार का सामना करते हैं। उसके बाद विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, वो विजयी होके ग्वालियर पर क्या करती हैं, अपना अधिकार जमा लेती हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो सिंधिया होता है वो अंग्रेजों के डर के मारे, डर से अपनी राजधानी छोड़ के भाग जाता है और उसकी राजधानी पे अंग्रेज क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। विजयी मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी, काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इस पंक्ति में जो समर्था उमाई चौहान है वो बोल रही हैं विजय तो मिली थी लेकिन अंग्रेज की सेना एक बार फिर से घेर ली थी, अब की बार जो जनरल स्मिथ था उनके सम्मुख था, सम्मुख मतलब सामने। इस पहले तो वो लेफ्टिनेंट वॉकर आता है, उसके बाद फिर अंग्रेज एक बार हमला करते हैं, लेकिन अब की बार उनका सामना किससे हुआ था, जनरल स्मिथ से होता है, ठीक है, वो ब्रिटिश के थे, अंग्रेजी थे वो। उसने मुँह की खाई थी, एक बार वो फिर पराजित होता है, मुँह के बल खाता है, रानी लक्ष्मीबाई उसको क्या करती हैं, पराजित करती हैं। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, रानी की जो सखियाँ होती हैं कांदा और मंदरा वो भी इस बार उनके साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, उन दोनों ने भी क्या किया था, युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मार मचाया था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध होता है अंग्रेजों के खिलाफ, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय
घिरी अवरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इस बार क्या करता है, होता है कि जो अंग्रेज होता है हीरोज, इस बार वो आ जाता है और वो क्या करता है, रानी को घेर लेता है। और इस बार फिर एक दुखद घटना घटती है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, आगे की पंक्ति में है, तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुते होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बताया है कि किस प्रकार अभी तक तो वो पूरी सेना से वो घिर चुकी थी, लेकिन वो मार काट करती चली, वो अपनी जो दृढ़ शक्ति थी, उनकी जो अंदर वीरता थी उसको नहीं छोड़ती, वो उसको जारी रखती हैं और क्या करती, मार काट करते चली जाती हैं। और किंतु सामने नाला आया, एक नाला आता है और क्या करता है, वो जो संकट की विषम घड़ी थी और एक नया घोड़ा उन्होंने ले लिया था, वो घोड़ा क्या करता है, उसका नाले में पैर अटक जाता है, वो घोड़ा वहीं पे गिर जाता है और ढेर सारे शत्रु उन्हें क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं और उन पे वार होते चला जाता है। घायल होकर घिरी सिंहनी, यहाँ पे शेर के समान दिखाया गया है लक्ष्मीबाई को कि वो घायल तो हो गई थी लेकिन वो सिंह के समान वो गिर गई थी, उन्हें वीर गति पानी थी, वीर गति भी उन्हें पानी थी। किस प्रकार उन्हें अंग्रेज यहाँ पे घेरते हैं और उन्हें पराजित करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद की अगली पंक्ति का अध्ययन हम लोग बच्चों अपनी अगली वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए आप इसको दोहराएंगे, ठीक है।